अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। इस मामले में उनके बेटे नकुलनाथ का नाम भी सामने आया है। वहीं उन्होंने बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस की कलह पर तंज कसा तो लगे हाथ बराक ओबामा की पुस्तक पर राहुल गांधी के जिक्र को लेकर भी कटाक्ष किया है। जो आज अगस्ता वेस्टलैंड के बारे में मुख्य आरोपी राजीव सक्सेना का बयान आया है, उसका जिक्र करना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ का स्पष्ट जिक्र किया है। कांग्रेस की और नेताओं का भी किया है, अहमद पटेल, खुर्शीद आलम, लेकिन ये बात हम उस समय भी कहते थे कि बल्लभ भवन दलालों का अड्डा है और भ्रष्टाचार अकेले भोपाल में नहीं है। जो ईमानदारी के कसीदे पढ़ते थे, अब वो बताएं, इस स्थिति को स्पष्ट करें और बोले कि राजीव सक्सेना ने सच कहा है या झूठ कहा है, वो क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, अगर वो उस पर प्रकाश डालेंगे तो हम और भी बिंदु आप सबके सामने वो रखना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से। राहुल गांधी क्या है, हार की सिल्वर जुबली पूरी कर चुके और अब पूरी कांग्रेस के अंदर ये मान्यता हो गई है कि गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस की स्थिति अब ऐसी हो गई है, जिसे कहती है ना कि भईगत साहब छछुंदर केरी, गांधी परिवार को छोड़ते हैं तो मरते हैं और उनके नेतृत्व में काम करते हैं तो मरते हैं, और इसलिए अब कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई दे नहीं रहा है। कपिल सिब्बल अकेले ने नहीं कहा है ये बात, ओबामा जी भी कह चुके हैं। अब इनको सात समंदर पार लोकप्रियता जिस तरह की पहुंची है, उनने ओबामा जी ने इतनी सारी बातें बोली, उससे अच्छा जो भारत देश में उनका नाम प्रचलित है वो बोल देते तो लोग समझ जाते।